हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारा लेक्चर 16 है और लेक्चर 15 में हमने पार्ट 6 का अभ्यास किया था। आज हम पार्ट 7 सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्व प्लस नाम, सर्वनाम यानी सब नामों के लिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हम आपको कॉपी में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, राधिका की माँ ने राधिका को डांटा तो